और दोस्तों इंडियन रेलवे में जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका जो पास पीटीओ प्रिविलेज पास जो होता है या फिर पीटीओ होता है उसका नियम यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन से पास को अप्लाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको HRMS पोर्टल है उसकी वेबसाइट पर पहले आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर आपको अपने PF नंबर वगैरह और भी दूसरी डिटेल की जरूरत पड़ेगी। तो पहली बार अगर आप यहाँ पर HRMS पोर्टल पर जा रहे हैं तो यहाँ पर वहाँ एक अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी HRMS पोर्टल पर। तो फटाफट देख लेते हैं किस तरह, चलिए फटाफट देख लेते हैं स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अब हम आ गए अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे हम यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में हम सर्च मारेंगे HRMS और इसको सिंपली सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन निकल के आता है उस पर हम सिंपली से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसका ये लोगो यहाँ पर देख लीजिए तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा और इसको हम सिंपली खोल लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इसका इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पर एक नया पेज खुल के आता है जहाँ पर लॉग इन पेज है ये। तो अगर आप पहली बार लॉग इन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। तो आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसीलिए एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ से आप इसको रजिस्टर करेंगे। तो जस्ट आप क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर IPS ID मांगी जाएगी। अब आप यहाँ पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आप अपना PF नंबर डाल देंगे 393 आगे लगा के, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 393 डाल देंगे और अपना पीएफ नंबर में याद रखिए जो अल्फ़ाबेट करेक्टर हैं यानी कि ABCD वाले जो लेटर हैं उनको बड़े में डालिए, कैपिटल लेटर में डालिए तभी लेगा ये, नहीं तो ये लेता नहीं है तो दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हम डालेंगे, फटाक से डाल देते हैं, और जस्ट क्लिक कर देंगे प्रोसीस्ट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी ये डिटेल है ना वो निकल के सामने आ गई है, जैसे कि ID हो गई है। ये ID हमेशा याद रखिएगा, HRMS ID हमेशा काम आएगी लॉगिन के समय, तो यही ID वहाँ पर मांगता है। तो इसको आप HRMS ID याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आपकी डिटेल निकल के आएगी, मोबाइल नंबर और डिटेल पढ़ने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटर OTP। तो एंटर OTP हम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, आपको बताने के लिए किया है। यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेन काम जो बचता है वो है लॉगिन का, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, वो जो आईडी मिली थी वो आईडी आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड क्रिएट करते समय में यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है, बहुत हार्ड पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पर और बहुत सारी कंडीशंस हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपनी जो है ना वो डाल देता हूँ और आईडी हो गई है। अब पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको, जैसे अगर अभी तक आपने पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो आप सिंपल क्लिक करेंगे यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा, एरर यहाँ पे आ रहा है। तो हम चलते हैं अब वेबसाइट की तरफ, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर हम हो ही चुके हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सीधा आप जाएंगे गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम को आप ले लेंगे यहाँ पर, गूगल क्रोम में आप सर्च करेंगे HRMS, ठीक है, और सिंपल सा इसको सर्च कर देंगे। ये वाली वेबसाइट है, थोड़ा ध्यान रखिए गलत वेबसाइट पे मत चले जाना, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है वहाँ पर .gov.in लगा होता है, तो उसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर HRMS की वेबसाइट यहाँ पर सिंपली खोल लेंगे हम यहाँ पर, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम। तो यहाँ पर वही वाला यूजर नेम डालना है जो मैंने बताया था, जो उस समय मिला था आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे हम फॉरगेट पासवर्ड पर, तो फॉरगेट पासवर्ड ये लिखा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक नया पेज खुल के आना चाहिए। और यहाँ पर फिर से वही आईडी मांगी गई है जो हमको मिली थी वहाँ पर। तो और यहाँ पर क्लिक कर देंगे सेंड OTP, ठीक है। जब OTP आएगा यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, तो वो OTP आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। OTP जब डाल देंगे
OTP आने में टाइम लगता है यहाँ पर। तो जैसे ही आप वहाँ पर OTP डालेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिसेट पासवर्ड, यानी कि आप यहाँ पर नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है ये चीज़, इतनी लंबी टर्म्स और कंडीशंस है और इसमें कई सारी चीज़ें हमको समझ में ही नहीं आती हैं कि कैसे क्या भरना है। तो मिनिमम करेक्टर 8 करेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए और मैक्सिमम 15 करेक्टर का पासवर्ड यहाँ पर होना चाहिए। अब आती है यहाँ पर तीसरी कंडीशंस, स्पेशल करेक्टर्स आर अलाउड वन, एटलीस्ट वन एंड करेक्टर अलाउड आर ये इतने करेक्टर अलाउड है इसमें, ठीक है। ये वाली शर्त जो बताते हैं, नंबर ऑफ अपर केस शुड बी एट लिस्ट वन, अपर केस, और ये वाला जो है ना नीचे वाला लोअर केस। तो ये यहाँ पर भी बहुत से लोग अटक जाते हैं, तो मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अपर केस और लोअर केस क्या होता है। और नंबर भी कम से कम एक तो यहाँ पर होना चाहिए न्यूमेरिक। तो जैसे कि न्यू पासवर्ड हम डालेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर मतलब मैंने बताया करेक्टर भी इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप इसको @ ले लीजिए, स्टार ले लीजिए, हैश ले लीजिए। तो चलो मैं एक बार भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये हो गया कैरेक्टर। अब इसके बाद यहाँ पर निकल के आता है मतलब अपर केस और लोअर केस। देखिए अपर केस क्या होता है, कैपिटल लेटर्स, अपर केस होता है कैपिटल लेटर्स। तो आप यहाँ पर ये कोई भी दबा दीजिए, 2-3 कैपिटल लेटर्स ले लीजिए यहाँ पर, जैसे कि ये वाला, ठीक है। और इसके बाद अब हमें जाना है लोअर केस लेटर में। तो लोअर केस नंबर जो होता है वो होता है छोटी ABCD, तो यहाँ पर इसको दबा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बचा है करेक्टर डाल दिया हमने, और अपर केस लेटर डाल दिया है, लोअर केस लेटर डाल दिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक में हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ही मैंने न्यूमेरिक डाला, देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हो गया है, यानी कि योर पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो आप इस तरह से पासवर्ड बना लीजिए। ध्यान रखिए यहाँ पर न्यूमेरिक यानी कि 1, 2, 3 ये वाला 2-3 करेक्टर एक कम से कम इस्तेमाल करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से डालना है। अपर केस जो बड़ी ABCD होती है कैपिटल लेटर्स, और लोअर केस छोटी ABCD होती है उसको बोलते सिंपल, आप समझ लीजिए आप। और इसके बाद यहां पर आप करेक्टर्स यानी कि स्टार है जो गया, या आप दूसरे जैसे कि @ वगैरह हो गए, इनको आप डाल के पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। बस यहीं पर दिक्कत आती है। इसके बाद जैसे ही आपका पासवर्ड जो है ना वो मतलब बन जाए, ये ग्रीन हो जाना चाहिए यहाँ पर, तभी आपका पासवर्ड बन जाएगा, तभी ये पासवर्ड चेंज वाला जो बटन है वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करता है। उसके बाद सिंपल सा आप यहाँ पर पासवर्ड चेंज दबा दीजिए, उसके बाद आपका जो है ना HRMS में लॉगिन ID बन जाएगी। अब हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे कि किस तरह से अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉई हैं तो आप अपने स्मार्टफोन से या फिर लैपटॉप कंप्यूटर से जैसे भी घर बैठे पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर के बाद हमको पास जो है ना वो अपने मोबाइल से ही अप्लाई करना होगा। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट करके बता दीजिए।